नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और राज्य विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाए रखते हुए 3 राज्यों में जीत हासिल की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी और राजस्थान छत्तीसगढ़ की सत्ता कांग्रेस से छीन ली। तो वहीं इसके पीछे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति को माना जा रहा है, जिसके स्टार रहे पीएम मोदी को भारत में ही नहीं बल्कि बाहरी देशों ने भी खूब सराहा है। तो इसी बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, जानिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजों के आते ही जहां एक ओर भारत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश छा गया और भाजपा ऑफिसेज के बाहर पटाखे छूटने लगे, तो वहीं बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर भारत का पड़ोसी देश, या यूं कहें कि अपने नापाक इरादों से भारत पर अपनी बुरी नजर गड़ाए रहने वाला देश पाकिस्तान, वहां की मीडिया में भी पीएम मोदी के ही चर्चे हैं और वहां की खबरों में भी भारत के प्रधानमंत्री की खबरें ही सुर्खियों में छाई हुई हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि ये मोदी मैजिक का असर कैसे हुआ और पीएम मोदी के लिए पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ लिखा है। पाकिस्तान की द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया है कि चुनाव परिणाम भारत पर मोदी की मजबूत पकड़ दिखाते हैं। 5 में से 3 राज्यों में जीत से आगामी चुनावों में बीजेपी और मोदी को और बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं बीजेपी की दमदार जीत के बाद जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट दी है कि 1 शतक तक सत्ता में रहने के बाद भी मोदी लोकप्रिय बने हुए हैं। तो वहीं द डॉन अपने आर्टिकल में लिखता है कि चुनावी नतीजों को नेहरू गांधी वंश के लिए एक और झटके के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 3 राज्यों में बंपर जीत के चर्चे पाकिस्तानी मीडिया में भी जमकर हो रहे हैं। तो वहीं देश में भाजपा के दिग्गज नेता भी इस बंपर जीत का सीधा श्रेय पीएम मोदी को ही देते हैं और ये कहते दिख रहे हैं कि राज्य चुनावों में मोदी मैजिक ने काम किया। खैर, जहां एक ओर पाकिस्तानी मीडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी के चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं पाकिस्तान की ये मोदी भक्ति का राज क्या है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ के अपने देश की सरकार को आईना दिखाना चाहता है या पाकिस्तान के हालात देखकर पाकिस्तानी मीडिया का मकसद भी पीएम मोदी का गुणगान गाकर खुद भी सुर्खियों में आना है। तो फिलहाल के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।